अस्सलाम वालेकुम। तो अभी मैं सैरी के लिए उठी हूँ, सैगी भी बस आ रहा है, तो फिर हम लोग सैरी बना के ना फटाफट सैरी करें क्योंकि इतना टाइम नहीं है अब। तो बस अब रोज़ा रख के और काम शाम करके ना थोड़ी बस हिम्मत नहीं है ज़्यादा बोलने की, तो बस जल्दी से मैंने चाय रख दिया और अभी मैं पराठे बनाती हूँ। दो पराठे बनाऊँगी, एक इसका एक अपना, और फ्राई अंडे और चाय बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये सैगी आ गया है, तो सैगी और मैं बस फटाफट। क्या चल रहा है, सब ठीक से? हाँ जी, ये देखे कल सोम पराठा बना रही है मेरे लिए और अपने लिए। हाँ। और ये देखे जी पराठा बन रहा है, पराठे का भी खाओगे? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। ये देखे जी कल सोम पराठा बना रही है मेरे लिए और अपने लिए। हाँ, सैगी कल मैं चार कोने वाला पराठा बनाऊंगी, तीन कोने वाला खाता से। हाँ, मेरे लिए चार कोने वाला पराठा बना रही है। तीन कोने वाला कह रही है, तीन कोने वाला खा लो, कल चार कोने वाला खिलाऊंगी, ये बहुत टेस्टी पराठा बनाएगी। ये देखें जी कल सोम मेरे लिए तीन कोने वाला पराठा बना रही है। ये देखें, ये देखें जी। हाँ जी, ये देखें जी एक और पराठा बन रहा है मेरे लिए दाल वाला। पहले तीन कोने वाला बना और अब ये दाल वाला पराठा बन रहा है। ये देखें जी आप, ये देखें जी कल सोम ने मेरे लिए दाल वाला पराठा बनाया, देखें आप। ये देखें जी, ये देखें, अभी घी लगना है, फिर देखना इसका कलर कितना प्यारा निकलता। ये देखें जी, ये देखें, ये देखें, इसको पलटाओ। ये देखें, जैसे जैसे पकता रहेगा उतना ही पराठा बहुत मज़ेदार बनता जाएगा। ये देखें जी, दूसरी तरफ देखें, एक तरफ तय जब ये लगाती है ना तो पूरा पराठा सही पक जाता है। देखें, परसों ने बहुत टेस्टी पराठा बनाया है। टाइम बहुत थोड़ा रह गया तो इसलिए हम जल्दी जल्दी इफ्तारी कर लें और फिर नमाज पढ़ लें, तो बस अभी बहुत गर्म है चाय, मुझे सिर्फ चाय का है, चाय पी लूँ बस फटाफट ताकि ना दिन गुजर जाए आराम से।